Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time. एटी छोट छोट वीडियो मो अपलोड करी चेष्टा करी डेली अपलोड करने पर जब भल लगे तुम्हें लाइक करदेव चैनल को सब्सक्राइब करदेव तुम सांग को भी शेयर करपर और जो वीडियो मुझे पठेबी भी तार नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल्रे प्रेस करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोर उपर जो देखु थ्री डॉट्स अच्छी वीडियोर क्वालिटी बढ़ेगा 144 रु मैक्सिमम जिते मुझे 480 करदेली तो वीडियोर क्वालिटी बढ़ीज प्रति वीडियोर मुझे पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तुम्हें डाउनलोड कर जो डाउन एरो अच्छी या को क्लिक कलापुर तुम लिंक पाइज डाउनलोड कर लास्ट इंपोर्टेंट जिनस मुझु भिडर यूनिट व्वज सजे रखी मो चैनल को क्लिक कलापुर तुम प्ले लिस्ट एटी बाहर करके तुम यूनिट व्वज पाइपर ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो हमें प्रीवियस क्लास में डायमैग्नेटिक पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विषय में पढ़ला किछटा प्रॉब्लम्स करा। नेक्स्ट अबे आगो को बढ़िबा आमे नेक्स्ट टॉपिक होची इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट को बुझाक गोटे जिनस गोटे करेंट कैरिंग सोलेनोइड नौ तो आम जानू इट हेज ए मैग्नेटिक फील्ड इन साइड इट है इंड्यूस्ड करेन्ट जोटा सेटअप नाउ यो सोलेनोइड भितर आम जब गोटे सॉफ्ट आयरन बार को रखीदे देन ओब्वियसली इट विल अल्सो गेट मैग्नेटाइज। अच्छा तार डायरेक्शन केमती हम इट विल बी मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड इट्स टू एंड्स विल एक्वायर द अपोजिट मैग्नेटिक पोलारिटी गोटे एंड हो नॉर्थ पोल भाया गोटे एंड हो साउथ पोल भाया जदि एंटी क्लॉक वाइज तुम करेंट फ्लो करेन इट विल डेवलप नॉर्थ पोलारिटी माने एंटी क्लॉक वाइज मैंने देख यसला सो या कमी जान या तार फिगर। सो देख ये एन भाया सी एन सेप्र आसला सो नॉर्थ पोलारिटी आई जदि तुम क्लॉक वाइज जदि आम डेवलप है तेल इट विल बी साउथ पोलारिटी है यहाँ क्लॉक वाइज सो साउथ पोलारिटी तुम यहाँ आसब ओके यहाँ है एस पर साउथ ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोलारिटी एज यू कैन सी इन दिस फिगर एठी अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाए है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम्हें जो कह तार मैग्नेटिज्म इट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म एज सुन एज यू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट करंट जिते बड़े बंद होगा यार मैग्नेटिज्म भी खत्म हो यार सेप जो नहींच आम सॉफ्ट आयरन बार रो स्ट्रेट हो पारे किंबा यू शेप्ड रो हो पारे एज यू कैन सी इन दिस फिगर एटी यू शेप्ड आयरन बार अच्छी तार ये गुड़े कि अच्छी है गोटे मुंड एटी पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी रे गोटे मुंड नेगेटिव टर्मिनल रो बैटरी लगी दिस इज द साउथ पोल दिस इज द नॉर्थ पोल है। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट रो मल्टीपल यूज अच्छी खास करी इंडस्ट्री एरिया रे लेट अस सी वन बाय वन। देख एक नंबर रे इट इज यूज्ड टू लिफ्ट द हेवी आयरन मटेरियल्स ओजनदार जब आयरन मटेरियल अच्छी फैक्ट्री या को इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करा जाए तापरे जदि गोटे मिक्सचर अच्छी कनसीस्टिंग ऑफ आयरन एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस दैट आयरन को सेपरेट करने इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सपोज आखिरे एक्सीडेंटली किसी आयरन पीस स्मॉल पार्टिकल्स किंबा आयरन फ्लेक पड़गला तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करके डॉक्टर आखिर से जिनस काढ़ी पारे। अच्छा इलेक्ट्रिक बेल जो अच्छी तार अरेंजमेंट रे असेंबलिंग द मेक एंड ब्रेक आम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर पारिबा आ गोटे जदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम्हें जदि नल या यूज करा जाए तुम डायनामो रे हैला। सो दिज आर ऑल द मल्टीपल यूजेस नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नंबर वन रे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सो इलेक्ट्रिक करंट रो स्ट्रेंथ जिते जिते बढ़ तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ी जीव इलेक्ट्रोमैग्नेट रहापर हूँ नेचर ऑफ कोर तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट अल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कोर एज रिगार्ड्स द वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। सो सपोज कोर जदि तुम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रो देन इट प्रोड्यूसेस ग्रेटर स्ट्रेंथ देन ऑफ द पारामैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा जदि तुम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लार्ज केते बड़े हबो जदि तुम कोर हैज ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड ग्रेटर परमिएबिलिटी हला इंटेंसिटी आउ परमिएबिलिटी रा जते बेसी हबो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मध्ये सेते बढ़ी जिवो हला। तीन नंबर रे एटा देखो मैग्नेट विल बी मैग्नेटाइज्ड क्विकली इफ द कोर हैज हायर ससेप्टिबिलिटी के र वैल्यू जदि हाई हला तमरो मैग्नेटटा सेते शीघ्र मैग्नेटाइज हो जिवो। तापर कोर हैविंग लोअर कोएर्सिविटी विल बी
more suitable in case of wires carrying alternating current. And last, substances having lesser area of hysteresis loop. Hysteresis loop actually tomorrow syllabus re nahi. Such khali just for the sake of knowledge etki jani rakhi tha je hysteresis loop ro jo area ta jete kom rahuchi setiki tomorrow energy loss madhyo kami jauchi in case of your alternating current. So these are all the factors which are affecting the strength of electromagnets. Okay, thank you.